Assalamualaikum viewers कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे हैरित से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं तो सुबह का टाइम था और ये व्लॉक जो है ना मैंने अपनी बेटी के बीमार होने से पहले शूट किया था तो आज सोचा मैंने इसका वॉयस ओवर कर लूँ मेरा भाई आया था मेरे से मिलने के लिए और न्यू कार लाया था तो कह रहा है पहले आप ड्राइव करो इस पर बैठ के तो ये मैंने थोड़ा सा दिखाया कि अपने भाइयों का प्यार माशा से उसके बाद ये मेरे बेटे की थोड़ी सी पुरानी कार थी जो टूट गई थी तो ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे तो इनके बाबा आ गए थे और इन तीनों के लिए न्यू साइकिल्स लेकर आ गए तो बच्चों की खुशी के लिए इंसान सब कुछ करता है और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे बहुत ज़्यादा खुश थे और अजलान पीछे रह गया था उसकी कार क्योंकि वो खुद चला के इसको ला रहा था और उसको टाइम लग रहा था तो इनकी ख़ुशी के लिए सब कुर्बान अल्लाह ताला सबको नेक ओलाद से नवाजें और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और उसके बाद ना मैंने ये शूट कर लिया था नेक्स्ट डे को ना वो शाम शाम का टाइम था तो नेक्स्ट डे को मैंने बच्चों के लिए सुबह उठियो लंच बॉक्स बनाया इनको स्कूल भेजा हानिया बस आज स्कूल गई थी इसके बाद वो तीन चार दिन हो गया स्कूल नहीं गई इसी दिन गई थी ये तीन चार दिन पहले मैंने शूट किया था तो यहाँ बच्चों के लिए मैंने बर्गर्स बना लिए थे और बन मैंने मंगवा के रखे थे पैटीज़ जो हैं वो मैंने घर पे ही बना के रखी हुई थी चिकन मंगवा के तो इस तरह से पैटीज़ मैंने इनके अंदर डाल ली और बस सिंपल सा इनको ना बर्गर चाहिए होता है उसके अंदर अगर सेलेड वगैरह हो तो ये रिफ्यूज़ करते हैं उसको तो एक, एक बर्गर और साथ ने में मैंने इनको अनार दिए क्योंकि मौसमी फल अगर हम बच्चों को दें ना मौसम के लिहाज से हर फल तो उसकी ताकत ही वो जो है ना मतलब सीज़न आउट जो फ्रूट होता है उसमें इतनी ताकत नहीं होती जो सीज़न में होता है तो सीज़न वाला जो भी फ्रूट होता है वो मैं सही बच्चों को देती हूँ और हमारे अबू भी ऐसे ही करते हैं कि जो भी सीज़न का फ्रूट हो ना वो उसको लाजमी डेली की रूटीन में लेकर आते हैं तो यहाँ सोदिया से बच्चों की कॉल आई हुई थी और अबू बहुत ज़्यादा रो रहे थे तो उनको चुप करवा के अंदर आए हम क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे वो तो यहाँ सब्ज़ियाँ ले आए थे तो ये जो सब्जियाँ हैं ना ये भी सर्दियों का एक तोहफा समझे इनको तो उसमें से मैंने सब्ज़ियाँ काट ली थी और मटर छील लिए थे और थोड़े से मटर निकाल के मैंने मटन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ा सा पुलाव बना लो दिन को हम बस दो तो तीन बंदे हैं तो पुलाव तैयार कर लेती हूँ अजलान को उठा के बना रही थी क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था कि मेरी हेल्प कर सके मेरे हस्बैंड गए हुए थे बाहर कुछ कामों के लिए ड्यूटी से वो वापस आए हुए थे और अम्मी जो है वो इन दिनों इलेक्शंस में बिजी हैं और ये वापस आ गए थे सारे जब हमें खाना खाया इकट्ठे बैठ के फिर बच्चे स्कूल से वापस आए मैंने उनको नहला लिया था उन्हें के उनके बाबा उनके पास बैठे हुए उनको होमवर्क करवा रहे थे क्योंकि मैं बहुत बिजी थी और रजलान स्टिल रोए जा रहा था उसको पता नहीं क्या मसला था गाड़ी की वजह से थोड़ी देर चुप हुआ था पर दोबारा से रोना शुरू कर गया तो अलहमद मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं इन मामलों में बच्चों का अच्छे तरीके से वो ख्याल रखते हैं तो यहाँ उन्होंने ना शाम के टाइम मैंने उनसे बोला जाएँ ग्राउंड में कोई क्रिकेट वगैरह खेलें अपनी लाइफ को इन्जॉय करें बच्चों को मैं देख लूँगी इन्होंने रोना ही है ना तो मुझे आदत है बच्चों के साथ रहने की आप थोड़ी देर ड्यूटी से आके ना अपने आप को आउटिंग पे लेके जाया करें तो अब्दुल हादी भी न, जा रहा था तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बना लिया और इसने बोला मामा मैं शेक पीऊँगा और खुद बनाऊँगा तो मैं कह बनाओ इससे अच्छी बड़ी बात क्या है दूध पड़ा होता है खुद ही बना लिया करो सीखो छोटी छोटी चीज़ें बनाना मैं इसको कहती होती हूँ तो मेरी बड़ी बेटी है और मेरे साथ बहुत हेल्प करता है ये तो इसने खुद ही जूस बनाया अपने लिए और पियास फिर हमने चाय भी साथ थोड़े से बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे और ये तैयारी कर रहे थे ग्राउंड में जाने की अजलान को ना आज मैंने हानिया की शर्ट निकाल के पहनाई वो बहुत क्यूट लग रहा था फिर मैंने उसको उतारी ही नहीं वैसे इतना पता नहीं चलता ना यूनिक कपड़ों में है वो हानिया ये बेचारी वो किधर जाए मैं और हानिया घर पे ही तो यहाँ शाम के बाद चाय वगैरह पी के चाय बच गई थी तो हमारे घर ना कोई ना कोई आ ही जाता है चाय की टाइम मतलब मैंने मतलब तो दस पंद्रह मिनट तक देखती हूँ अगर कोई नहीं आया तो गिरा देती हूँ क्योंकि फ्रेश चाय बना के देती हूँ कोई भी आए क्योंकि अगर कोई आता है तो उतने दूर से हमारे पास आता है तो कोशिश होती है कि किसी को अच्छे तरीके से पूछा वगैरह जाए तो यहाँ पे मैंने बर्तन लिए थे अंडी बनाने से पहले सब्ज़ी बनानी थी मैंने तो मैंने बोला पहले किचन साफ़ कर लूँ समेट लूँ फिर आराम से सब्जी बनाऊँगी क्योंकि हर चीज़ मैंने काटी हुई थी लहसन वगैरह छीला हुआ था सबसे मेन चीज़ होती है हंडी बनाते हुए लहसन का छीलना तो वो मैं आपको लाजमी कहूँगी कि जो सब्जियाँ हैं मिक्स सब्जी लाजमी अपने विंटर्स में वीक में दो दफ़ा यूज़ करें क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और एक नेच नेचुरल चीज़ होती है चिकन वगैरह से हट के थोड़ा सा बंदा सब्जियों की तरफ आए पिछले दिनों में हमारे घर बहुत चिकन यूज़ हुआ है दिल भर गया था उसे तो सब्जियां खा के दिल को सुकून मिलता है तो सारे बर्तन वगैरह संभाल के धोखे में हंडी बनाना स्टार्ट हो गई डाल लिया थोड़ा सा ज़्यादा डाला नॉर्मली जो ऑयल यूज़ करती हूँ मैं क्योंकि नॉन स्टिक में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता ऑयल उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला क्योंकि क्या नाम है उसका थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया सब्ज़ी में ऑयल अच्छा लगता है मुझे देसी घी नहीं था मैंने अभी तक बनाया नहीं था तो अगर देसी घी होता तो मैं देसी घी का बनाती थी या अदर लहसुन का पेस्ट डाल के मुझे होता है ना सब्ज़ी फ्राई करके बनाऊँ जैसे प्याज और ये लहसन फ्राई किया तो सब्जी को भी फ्राई करो ना उसका टेस्ट ही अलग होता है सारी मिक्स सब्जियाँ मैंने ना पहले इनमें फ्राई की अच्छी तरह से जब इनको फ्राई कर चुके उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाले तीन से चार टमाटर डाल दिए थे मैंने और फिर नमक और जो बसार है ना मैं यूज़ करती हूँ उसमें मैंने डाला हुआ है हल्दी भी डाली हुई है सूखा धनिया डाला हुआ है काली मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें लाल मिर्चें तो मतलब क्या कहते हैं उसको दरफल मिर्च वो भी सारी चीज़ें मिक्स की हुई या फिर मुझे हर चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती वही मैं एक टेबल स्पून डाल के बना लेती हूँ और बहुत मज़े का टेस्ट होता है इन बसारों का अपने घर पर बनाया करें सारी चीज़ें कटी कर करके तो इस तरह ना मैंने फ्राई करके इसको दम लगा दिया और साथ ही भूनती गई भूनने का मकसद ये होता है कि जो मिर्चें हैं वो अच्छी तरह से पक जाए यहाँ पे सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी फिर ना धनिया फ्रिज में बहुत ज़्यादा हो गया था इकट्ठा तो मैंने किचन साफ़ करके ना आराम से बैठ के टेबल पे और एक बाउल जो है फ्रेश रहता है और अगर आप इसको फ्रीज भी करें तो काफ़ी अर्से तक चलता है तो यहाँ पर मैंने टिशू पेपर रख के धनिया इसके अंदर पैक कर लिया था मेरा दिल होता है किचन में हर चीज़ कटी भी पड़ी हो मतलब अगर आप फ्री हैं तो ऐसा काम कर लें कि बाद में आप जब बिजी हो तो फटाफट वो काम होया हो आपका तो ये मैं टिश्यू पेपर पे लॉक कर दिया इस तरह से और किचन थोड़ा सा गंदा हो गया था इसको मैं साफ़ करती हूँ थोड़े से ना फूल वगैरह रखे मैंने किचन की लुक चेंज की तो ये बाहर से मैं साफ़ किया हानिया भी साथ मेरी हेल्प कर रही थी और खाना मैंने तैयार कर लिया था उसमें थे पुलाव जो सुबह मैंने बनाया था फिर सब्ज़ी फिर ये फूल वगैरह रख के मैंने थोड़ा सा किचन को एक न्यू लुक दी दिल करता है बंदे को थोड़ी सी चेंजिंग आए अपने रोज़ की सेटिंग्स वगैरह में अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू